बता दें आपको इस साल गुरु पूर्णिमा पर 149 साल के बाद 16 और 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। इस दौरान आपको बता दें कि राशि के अनुसार किन किन राशि वालों को क्या क्या प्रभाव इसके देखने के लिए मिलेंगे, चलिए आपको अपनी इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है। मेष राशि के जातकों की चिंता बढ़ जाएगी, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा, सेहत में गिरावट आएगी। वृष राशि, अपनी ही राशि में ग्रहण होने से दुर्घटना, चिंता और परेशानी काफी ज्यादा रह सकती है। वहीं मिथुन राशि के जातक, कार्यभार और जवाबदेही इनकी बढ़ जाएगी, आर्थिक समस्या का निराकरण भी संभव होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए विवाद का समझौता होगा, धन बढ़ेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। सिंह राशि के जातक, अभी तक के रुके हुए सारे काम इनके बन जाएंगे, राजकीय कार्य बनेंगे, जवाबदेही थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी। कन्या राशि के जातक, पदनाम सम्मान बढ़ेगा, राजकीय कार्यों में बाधा इनकी थोड़ी सी बनी रहेगी। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी, दुर्घटना से बचकर रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातक, मिला जुला प्रभाव इनको रहेगा, विवाद का हल भी जरूर निकलेगा। धनुराशि के जातकों के लिए नई कार्य योजना बनेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, सहयोग भी मिलेगा। मकर राशि के जातक, पुराने मामले से परेशानी इनको होगी, निर्णय सोच विचार कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए सेहत कमजोर रहेगी, धन हानि की संभावना भी बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें, मीन राशि के जातक, कार्य योजना इनकी साकार हो जाएगी, रुके हुए काम बनेंगे, आय के स्रोत भी इनके खुल जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।